और यहाँ पर VFD ड्राइव देख सकते हैं लगाई गई है, CG पावर क्रॉम्पटन की VFD ड्राइव है, 20 HP की जो लगाई गई है। एम्पियर आप देख सकते हैं, अरहर की दाल भी डाल रहे हैं, चना भी डाल रहा है। अच्छा, अच्छा इससे पहले अगर इंजन चलाने में आसान है सोलर से। सो दोस्तों, प्रयाग सोलर पावर से मैं विनय साहू अभी प्रेजेंट टाइम में आ चुका हूँ बांदा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों यहाँ पर हमने मात्र 16 पैनल लगाया था, आपको हम दिखा देते हैं कि मात्र 16 पैनल से इनकी आटा चक्की कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है, ये भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको मात्र 16 पैनल का सेटअप लगाना चाहिए अपनी आटा चक्की पर या नहीं लगाना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम यहाँ पर लोड दिखा देते हैं कि डायरेक्ट सोलर से अभी क्या चल रहा है, फिर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करके बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रयाग सोलर पावर का इंस्टॉलेशन है, प्रयाग सोलर पावर के यहाँ पर VFD ड्राइव देख सकते हैं लगाई गई है, CG पावर क्रॉम्पटन की VFD ड्राइव है, 20 HP की जो लगाई गई है। एम्पियर आप देख सकते हैं 9 एम्पियर करीब लोड लेके अभी के प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर मात्र 16 पैनल का सेटअप जो है वो चल पा रहा है। ये यहाँ पर स्टार्टर दिया गया रोटरी, इसको घुमाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट सेटअप हमारा चालू और बंद कर हो जाता है, मतलब चालू और बंद करने का प्रोसेस एकदम ईजी है और सेम जैसे 32 पैनल में होता है वैसे इसमें भी होता है। यहाँ पर चल रही है चक्की देख सकते हैं आप, जो अभी के टाइम में यहाँ पर धान की पिसाई मतलब चारा की पिसाई उसाई के लिए यहाँ पर चलाए हुए हैं। यहाँ पर लोड दिखा दो, बढ़िया लोड लेके चल रहा है और अच्छा खासा लोड मतलब 9 एम्पियर तक का लोड लेके अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। वहाँ पर मोटर लगी है, 7.5 HP की मोटर है जो अभी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट सोलर से ही चल पा रही है। चाचा हैं जो चला रहे हैं तो जानते हैं, चाचा अभी सोलर चल रही है? हाँ सोलर चल रही है। कितने महीने से आप चला रहे हैं सोलर से? सोलर एक साल हो गया, लगभग हो गया। हाँ अच्छा, चल जाती है सही? बढ़िया। अभी ये क्या पीस रहे हैं? ये धान पीस रहे हैं तो गोर चौहों के लिए। अच्छा, तो गेहूँ पिसाई भी हो जाती है? हाँ बढ़िया, अच्छी हो रही, कोई दिक्कत नहीं? जैसे गेहूँ पिसाई और चारा पिसाई कोई दिक्कत नहीं? सब कुछ भी गेहूँ आटा और वो बेसन काजू कुछ बना, बढ़िया चल जाता है। अरहर की दाल भी डल रहे हैं, चना भी डल रहा है। हाँ अच्छा, इससे पहले अगर इंजन चलाने में आसान है सोलर से क्या फायदा समझ में आ रहा है? फायदा हमें इंजन से मतलब फायदा है हमें। अच्छा, इंजन से फायदा नहीं था? इंजन में डीजल भाई का पैसा नहीं हुआ रहा। अच्छा, इससे आपका सही चल जा रहा है? हाँ। अच्छा, अभी क्या एवरेज निकलता है इसका पर घंटे? आठ क्विंटल निकाल दे। अच्छा, इतना निकाल देता है आराम से? हाँ चलिए ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेटअप चल रहा है डायरेक्ट सोलर से। दोस्तों चलिए छत पर आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जो ओनर है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और आपको हम दिखा भी देते हैं सिस्टम इनका कैसे लगा हुआ है। मात्र 16 पैनल लगा है तो कौन सी प्लेट लगी है जो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर चल पा रहा है। दोस्तों ये 8.8 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जिससे यहाँ पर आटा चक्की चल रही थी। अभी यहाँ पर 16 पैनल है 550 वाट के, मतलब दो राउंड में लगाए गए हैं, देख सकते हैं 8-8 पैनल आप क्लियरली देख सकते हैं 16 पैनल लगाए गए हैं और 400 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पर कवर्ड हुआ है इसको लगाने में। दोस्तों आइए जो ओनर इस प्लांट का उनका रिव्यू लेते हैं और जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा है एक साल का इस पूरे सोलर सिस्टम का। यहाँ पर हमने दिखाया जो हमने करीब 5-6 महीने पहले 7-8 महीना लगभग हो गया इंस्टॉलेशन का, 550 वाट की यहाँ पर मात्र 16 पैनल लगाया गया था। ये बांदा का तर्रा क्षेत्र है तो आइए हम भैया से भी जानते हैं जिनके हमने इंस्टॉलेशन किया था उस टाइम पे, इनसे समझते हैं कि सोलर सिस्टम लगाने का क्या बेनिफिट आया है और प्रेजेंट टाइम में सोलर से डायरेक्ट आटा चक्की की कैसे चल रही है, एज ए ओनर इनको क्या प्रॉफिट हुआ है सोलर सिस्टम लगाने पर, और इंजन चलाते थे तब कैसे चलता था, और मात्र 16 पैनल का सेटअप कितना सक्सेसफुल रहा है 5-6 महीने, क्योंकि 5-6 महीने हो चुके हैं तो इनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा कि 16 पैनल का सेटअप आखिरकार सक्सेस है या नहीं है। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बताइए मेरे दर्शकों को। जी मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है और मैं अतर्रा से हूँ जो बांदा जिले में पड़ता है। अच्छा, आपके यहाँ अभी कितने पैनल लगे हुए हैं? अभी हम लोगों के यहाँ 16 पैनल हैं 550 वाट के। 550 वाट के कितना टाइम हो गया लगे इसको? ये लगभग इसको इस महीने से एक साल पूरा हो जाएगा, सितंबर 2023 में लगा था ये। अच्छा, सितंबर 2023 में लगा था और अभी तक लगभग एक साल लगभग पूरा? हाँ लगभग एक साल पूरा हो गया। एक सालों का क्या जर्नी रही है, आप सोलर सिस्टम को कितना बेहतर देखते हैं? ये सोलर सिस्टम हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें स्पेलर है और आटा चक्की है, ये हम लोग पहले इंजन से ऑपरेट करते थे जिसमें काफ़ी डीजल वगैरह यूज़ होता था, उसमें खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो उसके लिए हमने सोलर के लिए ऑप्ट किया और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा। सुबह लगभग 8:30-9 बजे से काम चालू होता है और शाम को लगभग 4 बजे तक हमारे यहाँ काम चलता रहता है। अच्छा। तो इससे हमारे एक तो खर्च में काफ़ी जो है बचत आई और हम लोग अगर क्लाइमेट की बात करें जो कार्बन एमिशन होता है डीजल से उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मतलब ये प्रदूषण भी नहीं हो रहा है आपका और आप ग्रीन एनर्जी से आप चला भी पा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, तो आपकी जैसे आप बात कर रहे हैं पहले आप डीजल इंजन चलाते थे तब में और अब में क्या फ़र्क आपको क्या बेनिफिट समझ में आ रहा है?
देखिए अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो लगभग हमारा महीने में 12 से 13 हज़ार रुपये का डीजल लगता था। अच्छा पहले। हाँ, और अब वो घट के लगभग हो गया है 3 से 4 हज़ार रुपये का। अच्छा, मतलब आपका लगभग 10 हज़ार तक का आपका जो डीजल खर्च जाता था वो सेम बच रहा है आपका सीधा सीधा। हाँ, वो पूरा बच रहा है। अच्छा अच्छा, एक बात और ये कि आप प्रयाग सोलर पावर से कैसे जुड़े, कहाँ पर आपने देखा और सिस्टम लगाने क्या प्रोसेस था आपके यहाँ का? एक्चुअली प्रयाग सोलर पावर से मेरे चाचा जी से का कॉन्टैक्ट था, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उनसे बात हुई और बात करने के लगभग 15 से 20 दिन बाद हमारा इंस्टॉल हो गया। अच्छा, आपने बात किया उसके बाद आपके इंस्टॉल हो गया, तब से अब तक कोई आपको सर्विस की जरूरत पड़ी है सिस्टम में? नहीं, सर्विस की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। मतलब एक साल लगभग हो गया आपको मेंटेनेंस, कोई सर्विस जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, सर्विस की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह भी होता है कि आपको सर्विस जरूरत ही पड़ने वाली, अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसे की, उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका सिस्टम सुबह से शाम तक इजिली चल जा रहा है, ये प्रोसेस। जी 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 बिल्कुल। अभी आप कुल मिला के सोलर सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड हैं सर। आप हमारे उन दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे जो लोग अभी इस सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या राय देना, क्योंकि आप यूज़ कर चुके हैं लगभग एक साल हो गया है, तो आपको क्या राय रहेगी ये सिस्टम कितना बेहतर है? देखिए, सोलर सिस्टम के लिए हमको दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम अपने जो आर्थिक रूप से कैसे करते हैं, कि पहले तो इसमें ठीक ठाक खर्चा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो ये प्रॉफिटेबल है। अच्छा, इसमें एक तो जैसे कि बताया मेंटेनेंस का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है जी। और दूसरी बात ये कि आप अपने क्लाइमेट को, अपने एनवायरनमेंट का कुछ ना कुछ ख़राब नहीं कर रहे हैं, उसको ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं और इसमें आपकी आर्थिकी भी अच्छी हो रही है। तो मेरा ये सबसे है कि प्रयास करें सोलर के लिए जाने का, सोलर की तरफ जाने का। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया आपका। तो जैसे दोस्तों आपने देखा, ये हमारा सिस्टम जो है बांदा के अतर्रा का, हमारा ये सिस्टम है जो वो बेहतर तरीके से चल पा रहा है। और जैसे भैया ने बताया कि फाइनेंशियली भी आपको एक मजबूत होना पड़ेगा इस सिस्टम को लगाने के लिए, तो उसी का सॉल्यूशन अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग ला चुके हैं फाइनेंशियल का। अगर आपके पास बजट कम है, आपको लगता है कि हाँ आपके पास बजट कम है, इकट्ठा बजट कम है, बहुत सारे लोग क्या तो चक्की चलाने वाले के पास सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि भैया हमारे पास पैसा तो आ रहा है लेकिन इकट्ठा नहीं आ रहा है, जिससे क्या होता है ना, जिंदगी चल रही है, बस पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। आपको लग रहा है कि आपके पास इकट्ठा इतना पैसे नहीं हो पा रहे लगाने के लिए, तो आप प्रयाग सोलर पावर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बेहतर इंटरेस्ट रेट पे, जो कम से कम इंटरेस्ट रेट है उस पे फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है, आप फाइनेंस भी करा सकते हैं अपने पूरे सिस्टम को और बेहतर इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पर, हमने आपको बताया कि मात्र सोलर पैनल आप लगा सकते हैं कि नहीं से लगा सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो मात्र सोलर पैनल सेटअप आप उन लोग के लिए बेहतर होता है जिनके पास सिंगल लोड चलाने का ऑप्शन है, मतलब आपके पास गल्ला उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, इतना आ जा रहा है कि आपका काम लगभग चल जा रहा है, सिंगल लोड चलाना है तो आप चला सकते हैं। इसमें थोड़ा क्लाइमेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ये होता है ओवरऑल देखें तब भी आपका बेनिफिट जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। तो बस सारा बात का यही निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो सिस्टम है बेहतर ढंग चल पाएगा, जैसे 16 लगाइए या 32 लगाइए, जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको सिस्टम लगा लेना है और दोस्तों आप अपना अच्छा खासा इनकम जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं, आपके अपने ज़िले के वीडियो देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।